एक मानसिकता ही है विरोध करना, तो हम अच्छा भी करेंगे तो विरोध करेंगे, वो आप भी जानते हैं, आप छिपा हुआ नहीं है। जो लोग कह रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, क्यों नहीं पूरे देश का करा लेते हैं जनगणना। कोई भी गड़बड़ होता है, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, मेरे सरकार में बचता नहीं है। मेरी सरकार का अभी इतिहास जानते हैं, जो भी गड़बड़ गलत किया होगा, अगर कहीं से भी जानकारी हुई होगी, कहने से नहीं, कहीं जानकारी अगर होती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई हमारी सरकार पहले भी की है, आज भी करेगी, कल भी करेगी। आधारित गणना को लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई और रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अब लगातार जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आंकड़ों में इन्होंने छेड़छाड़ किया है। अब बात करेंगे हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री जमा खान हैं, उनसे कि आखिरकार जो बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कही जा रही है उसको कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के तरफ से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं जाति आधारित गणना को लेकर, ये बताइए कि वो लोग की एक मानसिकता ही है विरोध करना, तो हम अच्छा भी करेंगे तो विरोध करेंगे, वो आप भी जानते हैं, आप छिपा हुआ नहीं है। जो लोग कह रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, क्यों नहीं पूरे देश का करा लेते हैं जनगणना, यही हमारे नेता ना कह रहे थे। वो लोग तो दूसरे काम का आलोचना ही करते रहते हैं, अपने बारे में बताते ही नहीं मुझे क्या करना है। उनकी बात मैं न करना चाहता हूँ, उनकी बात नोटिस लेना चाहता हूँ। इसलिए जब से ये दिल्ली बैठे हुए हैं, सवाल जवाब आप करते हैं, कोई जवाब अपना ठोस नहीं देते हैं, दूसरे पर तुरंत उंगली उठाते हैं। ऐसे लोग निश्चित तौर पर आप जानते हैं कमज़ोर होते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। आने वाले समय में इनको मालूम है कि मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, इसलिए बौखलाया हुआ है लोग, और वो हम लोगों से वार करता है। एक सवाल ये है कि कहा जा रहा RJD के विधायक हैं सुधाकर सिंह, और उन्होंने कल कहा है कि अधिकारी के मुँह पर थूकने के लिए और जो जनप्रतिनिधि जनता की बात नहीं करते हैं वो नक्सली हैं, जंगल और पहाड़ में रहने वाले लोग नक्सली नहीं। अब ये बात तो बताएंगे, उस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि हमारी सरकार में कोई भी गड़बड़ होता है, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, मेरे सरकार में बचता नहीं है। मेरी सरकार का आप इतिहास जानते हैं, जो भी गड़बड़ गलत किया होगा, अगर कहीं से भी जानकारी हुई होगी, कहने से नहीं, कहीं जानकारी अगर होती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई हमारी सरकार पहले भी की है, आज भी करेगी, कल भी करेगी। कई पार्टी के जो लोग हैं वो इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं, जाति आधारित गणना वाला जो मामला है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कहा कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया। रविशंकर प्रसाद ने भी इस बात की, मीडिया के साथ ही हैं, आप उठाइए फोन, हम वीडियो से बात करिए, सारे लोगों से कहा गया, सारे लोगों का लिस्ट में नहीं है तो चैलेंज करें ना भाई, उसमें कहने की क्या बात, जो काम तो बताने कोई मतलब नहीं हुआ। जो हम काम करते हैं उसकी टिप्पणी करते रहते हैं, रोकना चाहते हैं। जो मैं विकास चाहता हूँ प्रदेश का, उस चाहते हैं टिप्पणी करना, जिसका नाम ले रहे हैं ये लोग, काम से मतलब नहीं उनसे है। अगर काम से जनता को वोट देना हो, जो वोट इनको मिलेगा, इनको ये मंच पर चढ़ते हैं, दूसरे को उंगली उठाते हैं, गलत करते हैं, मुसलमान मंदिर मस्जिद यही लेकर चलते हैं। अपनी बात तो बताओ, मेरे महागठबंधन का परिवार का एक भी नाम बता दीजिए जो किसी को आलोचना करता हो। हम अपनी बात करते हैं, अपनी बात को मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। वो लोग जो मंच पर आते हैं, आपके सामने आते हैं, आप जब सवाल करते हैं, वो सवाल हमेशा हमारी ओर चला जाता है उनका। अपनी काम के बारे में बताएं। तो एक आखिरी सवाल है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस बार जो अति पिछड़ा वोटर हैं वो उनसे खिसक जाएंगे। कौन कह रहा है? भाजपा के लोग कह रहे हैं। मैं सुन कह रहा हूँ कि क्यों आप सुन रहे हैं, वो हमें अच्छा कर सकते हैं, आप ही बताइए। जो आदमी देश को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया, जुमलाबाजी किया, जिसका जड़ ही हो चुका है हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के नाम पर, कोई जनता से मतलब नहीं है, तो उनकी बात कौन सुनता है? आप देख रहे कर्नाटक चुनाव, आपने देखा है ना क्या क्या उन्होंने शब्द बोला मंच के द्वारा, क्या क्या बोलते थे, क्या रिजल्ट मिला जनता, जनता समझ चुकी है। ये लोग को जनता से प्यार नहीं है, देश प्रदेश से प्यार नहीं है, प्यार है गद्दी से। कुछ भी उन्माद फैलाते हैं, आपसी भाईचारा बिगाड़ते हैं, अपने आराम से रहते हैं, उनका काम से कोई लेना देना नहीं। उनसे मैं सवाल जवाब नहीं करना चाहता हूँ, जनता जवाब देती जा रही है। जो जो चुनाव हो रहा है आपने देखा, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो गई, सारा एजेंसियाँ उनकी लगी हुई थी, जमानत उनकी जब्त हो गई, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ, देखिएगा उनकी कई जगह जमानतें जब्त हो जाएगी कई सीट पे, और जनता इनका इंतजार कर रही है कि आप आओ मैदान में जवाब देता हूँ। सेमीफाइनल कहा जा रहा है, आप लोग कैसे देखते हैं? मैं भी कह रहा हूँ, और सेमीफाइनल दस सेमीफाइनल देख लीजिएगा, कौन हारता है कौन जीतता है, जमानत जब्त हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। चूंकि मैं देखिए, मुझे दुख वही होता है, आप मंच पर आते हो
मंच पे आते हो तो जनता की बात क्यों नहीं करते, हमारी ओर क्यों इशारा करते हो? इसका मतलब मुझसे डरते हैं, मैं काम करने वाला हूँ। जब मंच पे आते हैं तो मुझे निशाना लगाते हैं, इसका मतलब वो मुझसे डर रहे हैं। मैंने काम करने वाले हम लोग हैं, हमारा महागठबंधन परिवार आप भी खूब जानते हैं। आज जो काम कर रहे हैं लोग उस काम की बात तो नहीं करते हैं, जिसका जिसका नाम ले रहे हैं उनसे पूछना चाहते हो आपने क्या किया है दिल में बैठ कर? तो ऐसे लोगों का हम लोग नोटिस नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारा नेता महागठबंधन का परिवार तमाम लोग सिर्फ विकास के नाम पर हम लोग को लाया गया, विकास हम देखते हैं और बिहार को बहुत जगह सुधार दिया गया, आपने देखा होगा, और देश को भी हम लोग एक जगह करके विकास भी किया जाएगा, सौहार्द भी बना रहे, इसका भी प्रयास किया जाएगा। तो बिल्कुल हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जमा खान थे, पांच राज्यों के चुनाव को लेकर भी इन्होंने दावा किया है। अब देखना होगा कि नतीजे क्या आते हैं, जब नतीजे आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि सेमीफाइनल के बाद फाइनल का नतीजा क्या होगा। गणेश प्रोडक्शन के साथ नमस्कार।